मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ प्रियंका है। हम लोग यहाँ पर गायनी वार्ड में 28 वीक पे मेरी वाइफ की कुछ कॉम्प्लिकेशन करके डिलीवरी हो गई थी, जो कि डॉक्टर हरमन मैम ने करवाई थी। और मैं डॉक्टर हरमन मैम को बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एंड टाइम तक इसके साथ लगे रहे कि नहीं वी शुड एक्सटेंड, क्योंकि 28 वीक बहुत ही जो कम टाइम था, अर्ली वीक्स थे। बट जो भी हमारे गॉड ने तय कर रखा था उसी टाइम पे बेबी आया। उसके बाद बेबी के प्रीटर्म होने के कारण वो यहीं इसी हॉस्पिटल में उसको निको वार्ड में रखा गया। और फर्स्ट ही डे हमारी प्रभजीत मैम से, जैसे ही बेबी निकला तो प्रभजीत कौर मैम से हमारी मुलाकात हुई, और जैसे उनसे बात हुई तो आधे घंटे घंटे बाद हमें प्रीटी मच ये श्योर हो गए कि हमें तो बेबी को यहीं रखना है और यहीं करवाना है। और हम बहुत रिलैक्स हो गए और उन बेबी अराउंड 34 डेज हमारा यहाँ पर रहा है। और पूरा नर्सिस का और निको स्टाफ, गायनी वार्ड स्टाफ और डॉक्टर्स का इतना सपोर्ट रहा है हमें कि हम टेंशन फ्री थे, घर पर आराम से रहते थे। और बल्कि अब जब ये निकल आया तो हमें ये टेंशन है कि हम इसको घर में कैसे कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर इसकी की है यहाँ पर। और हम लोग इसके पूरे टाइम आभारी रहेंगे, पूरी ऑल ओवर टाइम में पूरी हमारी यादें साथ में रहेंगी। और हीलिंग हॉस्पिटल का मैं स्पेशल सबको बोलूँगा कि मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप लोग हीलिंग में एक बार कंसल्ट करें, एक बार डॉक्टर से मिलें, जो भी आपको लगता है मेरे हिसाब से आप यहीं ही करवाएं इलाज, अफोर्डेबल भी है काफ़ी। और बाकी आपको स्माइलिंग फेस मिलते हैं सबके यहाँ पर स्टाफ के, तो वो सबसे पॉजिटिव है। हम टेंशन में आते हैं और ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है एंड एट 28 वीक्स में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, जिसके कारण से मुझे डिलीवर करना पड़ा 28 वीक्स में। एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि बेबी सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, बहुत डर में थे हम तो। बट जैसे हरमन मैम ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया, हमारा मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज होने लग गया था, ड्यू टू विच हरमन मैम ने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी कंसल्ट किया कि एक्सटेंड कर सके डेज। बट ये बाय गॉड ग्रेस ये 28 वीक्स में इसने आना ही था, तो वी ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय। एंड आफ्टर डिलीवर वी आर स्केयर्ड कि हाउ ही विल सर्वाइव। सो प्रभजीत मैम से हम मिले, उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंसल्ट किया हमें, हमारा जो डर था वो निकल गया उनको देख के। तो हमें यही था कि ये पक्का ठीक हो जाएगा डेफिनेटली। तो बाय 34 डेज स्टे करने के बाद ये हमारे पास डिलीवर हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हम। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ मेम्बर्स एंड द हीलिंग हॉस्पिटल, प्रभजीत मैम, हरमन मैम, थैंक यू सो मच।